ने सीएम को पत्र लिख करके बाजार समिति फिर से चालू करने की मांग की है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में उन्होंने कहा है कि हम लोग आंदोलन करेंगे। पता नहीं, हमको तो पता नहीं है, लेकिन बाजार समिति तो पूरे देश में है, तो राज्य में भी रहना चाहिए, यहाँ भी रहना चाहिए। और बाजार समिति के खत्म होने से कोई राज्य को उपलब्धि तो मिला नहीं है। बिचौलिया बढ़े हैं धान उनके खरीद में। तो अगर इस तरह की बात करते हैं महेंद्र सिंह टिकैत, तो निश्चित रूप से किसानों के हित में ही बात करते होंगे और चीफ मिनिस्टर को कर लेना चाहिए। रेलवे में भीड़ को देखते हुए सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव ने रेलवे अधिकारियों से कहा है कि ज्यादा से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, क्योंकि छठ व्रती जो लौट रहे हैं बिहार उनको सुविधा हो सके, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों में न सीट है न जगह है और अभी भी आना बाकी है लोगों का। भारत सरकार ने लगभग 99 गाड़ियों का परमिशन दे दिया है, 99 स्पेशल गाड़ियों का बिहार आने के लिए, यात्रा करने के लिए दिया है। और भारत की सरकार को बिहार की जनता के लिए, देश की जनता के लिए जो बेहतर लगता है कि उनके बेहतरी के लिए ये काम करना चाहिए, सुविधा जुटानी चाहिए, वो भारत सरकार करती है। उसमें लगभग 99 ट्रेनों को स्पेशल परमिट दिया है आने जाने का। 99 आपने कहा कि 99 ट्रेन स्पेशल ट्रेन दिया है बिहार को, लेकिन फिर भी भीड़ जगह नहीं मिल रहा है। बिहार सरकार अपना व्यवस्था करेगी तो नहीं, बस को खोलेंगे तो ना, एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाने के लिए, उसके ट्रेवल करने के लिए कुछ उपाय करेंगे तब ना। ये तो मुंह से बोल देते हैं, इन्होंने भारत सरकार को ऐसे ही लोगों को दिखलाने के लिए, आग में धूरी झोंकने के लिए कहा, ये तो मजाक ले रहे थे। चूंकि इनको जनता से मतलब नहीं, इनको राजनीति से मतलब है। भारत सरकार को जानकारी मिली और जितना ही चाहते थे उससे अधिक कर दिया। तो अब ट्रेवलिंग के लिए, उनके गंतव्य तक, घर तक पहुंचाने के लिए अब सुविधा प्रदान करना है स्टेट को, तो घर में बैठन सुविधा दें, भीड़ कहाँ से रहेगा। आप जब पूरे किसी भी, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो या कैपिटल हेडक्वार्टर हो, ट्रेन तो वहीं आएगी और वहाँ से जाने का आप सुविधा नहीं देगी। 99 ट्रेनों को सुविधा आपने ले दिया और एक ट्रेन से कितने बस होंगे सो आप बुझिए, कम से कम 100-200 बसों को आप ट्रेवल करने के लिए नहीं दीजिएगा, तो खाली बात बनाने से नहीं होगा। इस सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है, ये मजाक करने वाली सरकार है।